क्या ओहो, यहाँ तो बहुत धूल। अरे ओ सफाई कर्मचारी, न किस खुशी में के कर रही हो तू? काम कर रहा हूँ जी। चलो चौकी में कोई तो काम कर रहा है। हाँ भाई, ओ बिन पगार के रामू, न क्यों कर रहा तू यो सब? किसने भेजा है तने? किसी ने नहीं, मैं खुद ही आया हूँ। मुझे काम करने की आदत सी पड़ गई है। दरअसल मैं अपने पड़ोस के खिलाफ एफआईआर लिखवाना आया हूँ। क्यों, क्या किया तुम्हारे पड़ोसी ने? पूछिए मत, बचपन से लेके आज तक अपने घर का सारा काम मुझसे करवाते हैं। अब मैं थक गया हूँ काम करते करते। अरे तो तू काम कर रही क्यों है भाई? डॉक्टर ने कही है। उनकी एक बेटी है उतावली। ओह कितनी उतावली है। मैडम आप बिना एक नंबर भोली है मैडम। मैं तो बस यूं ही बस मैं ही रही हो तू, वरना बेबस करते देर ना लगेगी मन्ने। हाँ तू नेबर बर कर, तू बोल। जी मैडम, तो उनकी जो बेटी है उतावली, उसका उतावलापन देख के बचपन से मुझे उससे प्यार हो गया है। बस मैं इसी उम्मीद में उनके घर का काम कर रहा हूँ कि एक न एक दिन वो मेरी शादी उतावली से कर देंगे। लेकिन ये लोग अजीब तरह के काम करवाते हैं मुझसे। कल पूरी छत धुलवा ली, तो पानी आंगन में आ गया तो पोछा लगवा लिया, रात को भिंडी कटवा ली, अरे दो दिन पहले तो मूंग की दाल का हलवा बनवा लिया। नहीं ये सब किया लेकिन हुआ क्या, उन लोगों ने उतावली की शादी कहीं और तय कर दी मैडम। अरे तो तुम इस चीज का विरोध क्यों नहीं करते? क्योंकि उतावली का भाई मुझसे कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उनसे और काम करवाते रहता है। तो अब क्यों आए हो एफआईआर लिखवाने? क्योंकि हमें एहसास हो गया कि हम तो उम्मीद पर दुनिया कायम रख रहे हैं, लेकिन उतावली के उतावलेपन की वजह से कहीं वो उम्मीद से हो गई शादी के बाद, तो हम तो उम्मीद में ही ना उम्मीद होके रह जाएंगे ना। भाई बालको बुलाओ उस ओवर स्मार्ट, काम कराऊ उतावली के भाई ने। जी मैडम। थारे बाप की शादी की डिटेल छपी है न्यूज पेपर में, है कोई काम ना करियो तू। सॉरी सॉरी मम्मी जी, सॉरी जाता हूँ जी। 1000। चल चल इब निकल तू यहाँ से, और दोबारा जो है ना छेड़नी होगी तो छोरी ने छेड़ी हो, छोरे ने छेड़ता हुआ पकड़ा गया ना दोबारा, ना तो मैं निकल यहाँ से, निकल। बाय एंड सो बाय बाय बाय। भाई केयरफुल रह कर, आजकल जमाना घना खराब हो रहा है, और यो गोपिका मर गया है। मर गया नहीं, आ गया आ गया आ गया आ गया। मम्मी जी ये रहा उस उतावली का भाई उतावला। एक्सक्यूज मी, उतावला नहीं भौचक त्रिवेदी नाम है हमारा। भाई यो किस प्रकार का विचित्र नाम हो रहा है ना भौचक। ये तो डैडी से पूछेगा। हाय भाई, डैडी से तो हम पूछ ही लेंगे, फिलहाल तू सामने खड़ा है थारे से तो पूछताछ कर लें। क्यों ना जलकल विभाग का जूनियर इंजीनियर हो रहा तू, जो उस धीरज से इतना काम करवा रहा है ना, उसका जो है पसीना बिल्कुल ही बहा दिया तैने, निचोड़ दिया उसको। अरे तो क्या बाप दादाओं की शिक्षा को गोड़ दे है? जीरा बटी बना के पानी में घोल दे क्या? जहाँ खड़ा है ना तू, न वही 6 फुट का गड्ढा खोद के जो है ना तन्ने वर्टिकल गाड़ दूंगी मैं। फायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, के समझा? नहीं मैडम, क्या है हम तो काम उससे इसलिए लेते हैं कि डैडी ने कहा है। क्या कहा तुम्हारे डैडी ने? कि उस बिचारे धीरज से काम करवाओ। क्यों भाई? ये तो डैडी से ही पूछिए। तो कल अपने डैडी ने जो है ना साथ लेके आइयो तू। गोपी। हाँ जी जी। निकाल साले को थाने से बाहर। चलो जी। रंगीला समझता है? कुछ भी आपके सामने कुछ भी बोलेगा। डैडी इन्होंने ही मैडम ने आपको बुलाया है। मैडम मैं हूँ थर्राक त्रिवेदी टोटली। भाई यो किस प्रकार के नाम हो रहे इसकी फैमिली में, न थर्राक न भोचक न उतावली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। यो ही उतावली दिखे मन ने। नहीं नहीं मैडम, ये तो उतावली की अम्मा है, महा उतावली। हाँ मैडम ये महा उतावली है।
अरे शादी के बाद एक दिन जब ये उतावली हुई और हमसे कहने लगी, अरे जल्दी करो, कुछ होने वाला है, हमें जल्दी से जच्चा बच्चा अस्पताल ले जाओ। हम जब वहाँ ले गए तो पता चला इसे गैस है। और दोबारा जब इससे ज्यादा उतावली हुई और हम जब उसे वहां ले गए तो पता चला इस बार ना गैस है ना बच्चा। और तीसरी बार जब ये बिल्कुल उतावली नहीं हुई और हम जब वापस घर लौटे तो हमने देखा कि आंगन में एक अजीब सा बच्चा खेल रहा है। हमने पूछा, भैया ये कौन अपना बच्चा भूल गया है? तो हमने जाकर के करीब से उसकी शक्ल देखी तो हमने कहा, अरे इसकी शक्ल तो राम नारायण से मिल रही है, जरूर ये राम नारायण का बच्चा होगा। बाद में हमें बताया गया कि ये हमारा ही बच्चा है। और ये सुनकर के मैं भावचक्का रह गया, इसलिए मैंने इसका नाम रख दिया भावचक। और इसके बाद हुई हमारी बिटिया उतावली। अरे हटाओ खटाओ काम बटाओ। अरे बस 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 अंकल, आपके ये संपूर्ण पारिवारिक हिस्ट्री जानने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस थैंक यू। डैडी से इज्जत से बात करना, क्योंकि डैडी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। रंगीला सारा मोहल्ला डैडी की इज्जत नहीं करता, क्योंकि एक बार धोबी की धोबिन के साथ ये फ्रेंडली हो रहे थे, धोबी ने इन्हें पाट लिया और अपने गधे पर सारे मोहल्ले में घुमाया बिठा के, और इनके चेहरे पे ऐसा काला रंग रंग दिया कि आज तक नहीं छुटा है। सारे धोबी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तब से ये बगैर प्रेस के कपड़े पहनने को मजबूर है ना डैडी। मैं डैडी की बहुत इज्जत करता हूँ, है ना डैडी? हाँ बेटा भावचक, हर जगह ये बात कहके तुम मेरी कम बेइज्जती नहीं करते हो। राज चुप, इसने देख, इसने पहचाने तू? हेलो अंकल। अरे हाँ, ये तो अपना धीरज है। हाँ हाँ, वही धीरज जिसे बचपन से लेकर जवानी तक आपने रगड़ रगड़ के काम लिया है, और ये आज आपके खिलाफ यहाँ FIR लिखवाने आया है। क्यों काम लेते हैं आप इसे इतना, क्यों क्यों? अरे हमारे बाप दादा कहा करते थे कि बेटा कोई भी परिस्थिति हो हमेशा धीरज से काम लेना, और हम धीरज से काम ले रहे हैं। अब इसका नाम धीरज है, इसमें हमारा क्या कसूर है? क्यों भाई, तुम्हारा नाम धीरज है ना? हाँ वो तो है। अरे गुलगुले, अरे इस सिचुएशन पे थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटलेट नाम बदलेट आइडिया आ रहा है। मैडम ये सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? इसका नाम, हम इसका नाम ही बदल देते हैं। हाँ जी जी मम्मी जी, जब इसका नाम धीरज नहीं होगा तो ये लोग धीरज से काम लो कह के धीरज से काम कैसे लेंगे? रंगीला यो सही है बेटा, सुन थारा फुल नेम क्या हो रहा? धीरज सबरवाल। बस तो आज से जो है ना थारा नाम हो रहा सबरवाल, तन्ने मंजूर से। एक मिनट अंकल, सबरवाल ठीक रहेगा? अब सबरवाल में से वाल निकाल दो, सबर ठीक रहेगा। अच्छा ठीक है, बड़े बुजुर्ग कह रहे तो सबर ठीक रहेगा मैडम। मैडम मुझे आज भी याद है जब उस धोबी ने डैडी के चेहरे पे अपनी जलती हुई बीड़ी बुझाई थी। चुप रहो टोटली। अरे चुप, निकल यहां से, केस डिसमिस, निकल। हारा तो किसी धोबन से अफेयर कोई ना हो रहा ना? नहीं 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 मैडम, सवाल ही नहीं ना भाई। देख ले कहीं मुंह पे बीड़ी बुझ गई ना किसी दिन तो मजे मत कहियो। आइए आइए चलिए। हाँ तो रहे टोटली। नहीं सब मैडम के सामने सब कुछ बोलिए। मैडम मैडम कुछ कीजिए मैडम, इन लोगों ने उतावली की सगाई भी कर दी, और हद तो ये है कि सगाई में शरबत भी हमी से बनवाया और बटवाया भी, और मेहंदी की रस्म भी कर दी, और सारी रात मेहंदी भी हमी से कुटवाई। अरे तो तैने क्यों कूटी मेहंदी? इन लोगों ने कुटवाई मैडम। अंकल क्या कर रहे हैं आप, ये अब क्यों काम करा रहे हैं आप इससे? अरे तो क्या बाप दादा की शिक्षा गौर दें? अब क्या नाम है तेरा? सबर। हाँ तो बाप दादा ने सिखाया था कि हमेशा सबर से काम लो, तो हमने ले लिया टोटली। मैडम हमें आज भी याद है कि डैडी को धोबी ने इनके मुंह में चप्पल घुसेर के। रंगीला चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। अरे ओ घणी उतावली ना, घना ड्रामा मचा रखा तुम सबने ना, चुप हो जाओ वरना तुम सबने दुनिया से पटा दूंगी मैं। मम्मी जी मैं तो कहता हूँ उस जड़ को ही यहाँ बुला लेते हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। वेरी गुड गोपी। थैंक यू। भाई ऐसा है, ईप तो उतावली डिसाइड करेगी कि वो किसके लिए उतावली हो रही है। बुला उतावली ने। रुक क्यों गई? आओ
और अंदर आओ उतावली, वे जीजा का आओ। रंगीला। वाह क्या चाल है, आओ आओ इधर। मैडम हाय। ओहो तो यो रिसे उतावली। जी मैडम यही है वो उतावली जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। चुप रहो वरना हमेशा के लिए बोलती बंद कर दूंगा टोटली। ओ ओ अंकल डैडी को कुछ मत बोलना। मुझे आज भी याद है मैडम जब उस धोबी के गधे ने डैडी के कूले तोड़ दिए थे। चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। भाई उतावली भाई तू मन्ने यो क्लियर कर कि इस धीरज ने देख कर तू उतावली होती है कि ना होती। बता दो उतावली आज तो बोल ही दो। मैं तो धीरज को देखकर भी उतावली होती हूँ और नीरज को देखकर भी उतावली होती हूँ। ए नीरज कौन है? वो हमारा अड़ोसी है और धीरज हमारा पड़ोसी। नीरज वो लड़का है जिससे हमने उतावली की शादी तय की है। बड़ा इज्जतदार लड़का है। मैडम मुझे आज भी वो दिन याद है जब धोबी ने अपनी झूठी बबलगम डैडी के बालों में चिपका दी थी। चुप रहो टोटली। अरे खटाओ हटाओ काम पटाओ। भाई अब तो आ गया है कहानी में ट्विस्ट, कंपटीशन बिटवीन धीरज एंड नीरज। तो बुलाओ उस नीरज ने, बुलाओ ना, हम भी तो देखें कि सुरखाब के पर लग रखे उसमें। बुलाओ सारे ने। जी मैं हूँ एक कवि जैसे आसमान में रवि, रात्रि में चंदा मैं हूँ सीधा बंधा, दिन होता है होली से और रात दीपावली से, और प्रेम करता हूँ उतावली से। वाह 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 वाह। हाथ में गजरा बांध ले, मुंह में पान ठूस ले, तू टोपी पहन ले, सारंगी ले ले हाथ में, इसके पैर में घुंघरू बांध ले तू। देख भाई कभी नीरज भाई वो जो छोरी हो रही है ना उतावली भाई, इससे तो ही धीरज भी प्रेम करे तो उसका क्या। जी मुझे भी है उतावली से प्यार और उसी के घर वालों ने मुझे किया है स्वीकार। यार धीरज में ऐसी क्या बुराई है जो आप लोगों ने इस कवि को पसंद किया है? बुराई धीरज में नहीं उसके कैरेक्टर में है। और एक बार कैरेक्टर बिगड़ जाए तो मैडम मुझे आज भी याद है कि डैडी उस धोबन के बाथरूम में पहुंचा। चुप रहो टोटली। मैडम मैंने अपनी आंखों से देखा था कि भरी बरसात में एक लड़की के ऊपर लिपट के चिपट के फिसल के गिर रहा था। ये बहुत ही गिरा हुआ और फिसला हुआ लड़का है। और मैं एक बाप हूं, मैं ऐसे लड़के से अपनी बेटी का ब्याह कैसे कर सकता हूं? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अपनी उतावली का ब्याह करूंगा तो सिर्फ नीरज से टोटली। मैडम अगर ये सच कह रहे हैं तो एक ऐसे चरित्रहीन इंसान के साथ एक ऐसी हरी भरी लड़की की शादी, मेरा मतलब है एक ऐसी अच्छी लड़की के साथ नहीं होने दे सकते मैडम। पाप होगा ये, पाप पाप। हाँ जी जी मम्मी जी, चलो भाई अपने अपने घर जाओ भी, चलो चलो घर चलो टोटली। चलो बहना। आ मेरी बहना। मैडम हमें आपसे कुछ कहना है। तो यो बात है। जी मैडम, बिजली की कड़क थी, सुनसान सड़क थी, लड़की भी थी और हम फिसले भी थे, लेकिन ये सब उस नीरज की चाल थी मैडम। उसने जानबूझकर केला खाकर उसका छिलका हमारे सामने फेंका। इधर हम छिलके पर फिसले, उधर बालकनी से उतावली के पिताजी ने हमें उस लड़की में फिसलते हुए देख लिया। पर ना बताइए मैडम, भरी बरसात में भला कोई केला खाता है? भाई गुलगुले तू भरी बरसात में केला खावे? जी मैडम मैं तो पकौड़े खाता हूँ। और गोपी तू? नानजी जी मैं तो पीता हूँ। सही है बेटा, तो ईब जाना भरी बरसात भी हो रही है, आज रात हम देख लेंगे कि भाई कौन केला खाता है और कौन फिसलता है। बुलाओ साले नीरज ने। एक चंद्रमुखी चोटाला। मेघ
तरस तरस बरस बरस बरसे, बुलावे पे आ गए हैं हम घर से। कोई है यहाँ जो हमारी पुकार को सुने, खड़े हैं द्वार पे हम कब से। I am not. अगर आप बुरा ना माने, जब तक ये तूफान थम नहीं जाता, मैं आपकी बहू को अपना घर समझ लूं। हाँ हाँ। ये प्यासा सावन, ये बाहों के झूले, आजा मेरी बाहों में, सब कुछ भूले। रब्बा, आप तो काफी रोमांटिक लगते हैं। आपने अभी हमें जाना कहाँ है, मैं तो बहुत पहुंची हुई चीज हूँ। लेकिन आप शक्ल से लगते नहीं। इस चोले और झोले पे मत जाइए। जब जब ये बरसात होती है तो मेरे अंदर का रोमांटिक कवि जाग उठता है। इट कम्स आउट लिटरली। लीव इट, आओ मेरी बाहों में आओ, समा जाओ। बबलू भाई, आप सब, तू हर्रा त्रिवेदी, ना इस त्रिया चरित्र वाले प्राणी से तू अपनी छोरी की शादी करा रहा था। अरे धीरज, धीरज ने कोई ना बल्कि इस नीरज ने धीरज खोया है। और एक सत्य बात मैं तन्ने और बता दूं ना, उस दिन जब यो फिसल के ये छोरी पे गिरा था ना, तो इसने केले का छिलका फेंका था ताकि यो फिसल जाए और फंस जाए। रंगीला। नहीं अंकल, डैडी को कुछ मत बोलना। मैडम, मुझे आज भी याद है तब उस धोबी ने डैडी को धो धो के पीटा। पहुंचा, चुप रहो टोटली। मैडम, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें कम है। आज आपकी वजह से हमारी बेटी उतावली की जिंदगी बच गई, वरना इसका उतावलापन तो हमें ले डूबता। आज आपकी वजह से हमें एहसास हो गया कि धीरज जैसा हीरा हमारे पास था और हम नीरज जैसे पत्थर से अपनी बेटी की शादी करने जा रहे थे और धीरज से काम ले रहे थे। अरे खटाओ हटाओ और काम पटाओ और जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाओ। अपने धीरज के लिए। ओहो, भाई धीरज, आर यू हैप्पी नाउ? मैडम क्या कहूँ, आप महान है, वाकई में बहुत महान है। मैडम, मुझे आज भी याद है तब डैडी की नाक में उस धोबिन ने साबुन घुसेड़ घुसेड़ के। चुप रहो टोटली, अब कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है और नहीं धीरज से काम लेने की जरूरत है। अब जब भी काम लेना हो तो जीजा जी से लो। जीजा जी, काम पे चलो। चल हट।